हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माँ करनी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निकिता राजावत पे। आई होप आप सभी फिट एंड हेल्दी होंगे। आप सभी मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे यूट्यूब के सारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी यहाँ पे मेंशन है। आज की हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे नंगे पुंगे बच्चे को, ये नहा धो के आ चुका है और मेरा डेली रूटीन भी फ्री हो चुका है। इस गर्मी में सिर्फ 9 बजी और इतनी तेज गर्मी होने लगी है, धूप भी इतनी आएगी भाई, पसीना पसीना हो जाता है। फिर नाश्ता पानी करते, क्योंकि खा लिया, नाश्ता पानी कर लिया और फिर काम करते ना, बड़ा आलस चढ़ता। तो बने रही मेरे वीडियो में एंड तक। और अभी तक आपने मेरी बातों के कारण, अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब। पहले वाले वीडियो में बताया था, हाईलाइट कर देखो इसमें ना, मैंने आपको पहले बताया था ना, पिंक, वाइट, रेड, और वो देखो वहाँ पे वाइट और लाइट पिंक में दिख रहे। और देखो वो तो फिर अलग है, लेकिन इन सब में मिक्स कर रखे हैं मैंने। और अभी ऑरेंज मतलब ऑरेंज और मंगवाया मैंने अभी, तो ये मुझे बहुत प्यारे, ये मैंने लगाए, आधे हर्षो के पापा ने भी लगाए ये, तो ये गार्डन की जान है मेरी। गार्डन तो खैर ऐसा उजड़ा हुआ, गार्डन की जान है, जैसा भी है इनको देखते ना, हल्की सी धूप आती ना तब इसमें ये फ्लावर खिल जाते हैं। इतने प्यारे हैं, खूब सारे लगा रखे मैंने ये। और तो मेरे गार्डन में अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं ऐसा ढंग का, बाकी ये फ्लावर्स हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं, इसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आते हैं। और गर्मियों में ही हल्की बरसात होती है तब गर्मियों में ही थोड़ा ये फ्लावर्स का, पेड़ पौधों का रहता है, नहीं तो सर्दियों में तो जल जाते हैं, कोई फ्लावर नहीं आते। ये वाला है ना जल गया था, इसके पत्ते जल गए थे, अभी थोड़ा सही हो गया। ये भी जल गया था, ये भी सही हो गया, ये देखो ये ख़राब हो रहा है। ये वाली मैंने अभी लगाई नई, तो ये अच्छी हो गई है, लेकिन यहाँ पर पानी डाल देना, देखो दीवारें ख़राब हो गई। अभी पता है सभी बच्चों की छुट्टियाँ हो रखी हैं और ये भाई साहब भी अपने नानी साहब के आए हुए हैं, इनकी मम्मी का घर पास में ही है। अभी छुट्टियों में ये दो सिस्टर हैं हमारे पास में रहते हैं, हर्षो जी, हर्षो भी सब खूब इंजॉय करते हैं। अरे हर्षो इंजॉय कोई नहीं करता, मोटा मोटा कहते हैं। क्या शिकायत है बताओ आप भी हर्षो की? हर्षो मुझे शेम नहीं बोलता। कितनी गंदी बात है हर्षो, गलत बात है। मोटी मोटा बोलेगी तो मैं कुछ नहीं बोलू, दोनों मैंने आपस में चिढ़ाती है। एक बार ना वो अम्मा मम्मी की शादी थी ना, जब ऊपर वो आए थे चांद, और ये देखो हर्षो की शिकायत है हमारे गलियों में से जो आती है, ये तो छोटे हैं, इनको इतना परेशान करता है हर्षो। मतलब बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं चीजें खाते घर पे, आइसक्रीम तो रोजाना खाते होंगे आप ना? हाँ, आइसक्रीम तो रोज, वो गड्ढा आते तब गड्ढे और क्या क्या चीजें खाते हो घर में खूब सारी? और तो मासी से मंगाती है ऐसे पाव भाजी, समोसे। अभी तो सब बच्चों के मौज हो रही है बड़ी करने के लिए, फिर क्या अब स्कूल खुल जाएंगे तब तक इसके स्टेपल वगैरह हो जाएगा, कोर्स कवर हो जाएगा इसका, जो इसका पेंडिंग रह गया था। तो चलते हैं, बाय बाय। हर्षो यहीं पे रह रहा है, कहाँ गया हर्षो? यहीं पे रह, हर्षो ध्यान रखना, पढ़ाई कर लेना अपने जाके, ठीक है? अम्बू के स्टोर पे हैं, काफ़ी लेट हो चुका है और हर्षो के सिक्स क्लास के कोर्स की एनसीईआरटी की बुक्स निकलवा रही हैं। सिक्स क्लास में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं वैसे तो। इतनी सारी कॉपियां हैं,
हनी सकल, ये सब मैं इसको यूट्यूब से पढ़ाती थी। काफ़ी टाइम हो गया मैं अर्शू की बुक सेलेक्ट करते करते। ये भी तो देखना पड़ता है ना कौन से कोर्स में है, कौन सी बुक हमारे पास है, कौन सी नहीं। मैं तो पुरानी अरेंज करती हूँ अर्शू की कई बार, लेकिन इस बार मैंने हम कुछ नहीं बोले। यहाँ पर ये ट्राई करके देख रहे हैं, ये अच्छी नहीं लग रही। ये इससे अच्छा वो ट्राई कर लो ना परचेजिंग के बाद में। हम आए यहाँ पे और अर्शू के लिए ले रहे पाव भाजी। मैं सोचूँ मसाला डोसा खाऊँ, तो देखते ऐसी जगहों पे आते हमारे जीप में पानी आने, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जहाँ हम ये पाव भाजी डोसा वगैरह देख लेने वाले थे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उन्होंने कहा यहीं पे खा ले। मैंने कहा गर्मी से हालत ख़राब हो रही है तो मैंने घर पे ही पैक करवा लिए थे, तो अब मैं खा रही हूँ पाव भाजी। लेके आई अर्शू पाव भाजी, इसको नहीं लेके गए थे क्योंकि बुक्स वगैरह परचेस करने तो इसका कोई काम नहीं, बच्चों को फालतू मिल जाके परेशानी होती है, इसलिए हम दोनों वहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं अपना पाव भाजी। इनमें से कुछ जो पुराने, इनमें इनका क्या कोर्स चेंज हुआ है? कोर्स चेंज नहीं हुआ है, इसमें सिलेबस कम हो गया है इन बुक्स के अंदर से। ये जो पुराने बुक्स है ना इनमें सिलेबस तो सेम एज इट इज़ है। मैंने इन सबको देखो मैच करवाई पूरी बुक्स को। ये है बाल राम कथा, हालांकि आपको इसमें उल्टा दिख रहा है, लेकिन इतनी अच्छी किताब है, इसमें राम जी के बारे में पूरा वर्णन हुआ। वैसे तो हर बच्चों को हम बताते ही हैं कि राम जी की लाइफ में क्या हुआ था, राम जी कौन थे, ये वो, लेकिन इसमें जब बच्चे पढ़ेंगे तब अपने आप को अटैच कर पाएंगे रियल स्टोरी जो है राम जी की उनसे, तो ये हम जो हैं उनके लिए बेटर है। धर्म के बारे में ज्ञान देना चाहिए, तो स्कूल में बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है कि जो अपने भगवान हैं। काफ़ी सारी स्टोरीज ऐसे आई हैं मूवीज़ में कि हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है। तो NCERT में कोर्स नया आया है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रियल में बहुत अच्छा लग रहा है ये जो राम जी के बारे में आया है पूरा। ऐसे ही अच्छे स्टेप के लिए हम उनको प्रमोट करते रहेंगे। तो आई होप आपके बच्चों को भी इस तरीके से कोई स्कूल में कोर्स चला हो, नहीं चला है तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से ज्ञान दें। हम तो इसके अंदर ही करा करते थे बेटा, इसके अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस होती है। ये मैथ का रजिस्टर लाए तेरे लिए, अब इनको पढ़ना है। इसमें क्या करना है मैथ? ये मैथ के लिए बड़ा बड़ी कॉपी लेके आई क्योंकि जल्दी इनको मिक्स मत कर, अलग अलग किए मैंने। ये पीस विद द सन, ए पैक्ट ऑफ द सन है, विद द सन है, हनी सकल रख इनको, पहले कॉपीज रख के फिर इनके अंदर से छांटनी है कि कौन सी सही है कौन सी तेरे, मतलब जो पुराना कोर्स है वो वापस रिपीट हुआ है तेरा। अब इनको पढ़ाई भी करनी है, ये लाके रख दी है ना इसका मत, अरे रुक रुक रुक, इनको मिक्स मत कर। मम्मी मेरे पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ गए, देख तेरे लिए गुल्लक भी लग, देख इसके अंदर पैसे कलेक्ट कर लेना। जिनकी वाली थोड़ा सा वैसे कर, ये बड़ा गुल्लक है तो इसके अंदर खूब सारे, जब तो 18 ईयर का हो जाएगा ना तो ये भर जाएगी फुल एकदम, 18 ईयर का होगा अभी। ये सब बुक्स तो मैंने तेरी अलग रख दी, ठीक है, ये तो आनी आनी है। ये वाली बुक्स भी देख सकूँ? ये दो टी शर्ट सेलेक्ट की थी, एक तो ये वाइट, दोनों लमसम सेम है लेकिन ये एडिडास की, वो कैल्विन कैलिन की है, दोनों इनके लिए परचेज की है। तो जयपुर से लेके बैलेंस डाइट के बारे में बता रखा है कि क्या क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट में, देख फैट मिनरल्स है, मतलब मैं फैट खाता हूँ दिन ब दिन घटाया जाते हूँ, फैट खाता हूँ घटाया जाते हूँ। फैट खाने का थोड़ी ना होता है, फैट तो खाने में हमारे इंक्लूड होता है बेटा। हाँ तो मैं जितना खाऊंगा उतना फैट बढ़ेगा और बेनिफिट भी है इसके अंदर, तो ये ज्यादा फैट खाने से तो नुकसान नहीं होता, देख ऐसा हो जाएगा तम्बूड़ा सा, देख आलू बुखारा सा, देख ऐसा हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी इस तरीके से गेम खेलते हैं। मैंने तो इसको पूरे गेम सिखा रखे हैं।